नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती, आज हम बात करेंगे वोटर आईडी कार्ड को लेकर। हमारे जीवन में अब आधार कार्ड का एक अहम रोल है, लेकिन इससे पहले वोटर आईडी कार्ड भी आधार कार्ड की तरह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज हमारे जीवन में हुआ करता है, था भी और है भी, जिससे आप कई सरकारी व गैर सरकारी काम निपटा सकते हैं। वोट डालने के अलावा भी वोटर आईडी का काम कई जगहों पर किया जा सकता है। कई काम तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ वोटर आईडी की भी मांग की जाती है। ऐसे में अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है और आपको अर्जेंट में इसकी ज़रूरत है, तो न सिर्फ आपकी जरूरी काम रुक सकता है, बल्कि आपको उस समय परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लोगों की इसी परेशानी को हल निकालते हुए देश भर में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलर फोटो आईडी कार्ड यानी कि EPIC की सुविधा शुरू की गई है। इसके ज़रिए आप बहुत ही जल्द और आसानी से अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि सर्विस की शुरुआत 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में शुरू किया गया था। यह भी बताया गया था कि EPIC का एक सुरक्षित पोर्टल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वर्जन है, जिसे मोबाइल पर या फिर किसी कंप्यूटर पर सेल्फ प्रिंटेड के तौर पर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मतदाता अपने इस डॉक्यूमेंट को स्टोर भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने का क्या है तरीका। इसके लिए सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट voterportal.eci.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आप मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि NVSP को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास पहले से यूजर आईडी और उसका पासवर्ड होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि यूजर आईडी पासवर्ड कहां से आएगा। जब आप पोर्टल के होम पेज पर जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे मांगा जाएगा आपका ईमेल आईडी, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर। जब आप मोबाइल नंबर इन करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिसके बाद से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपका जो खाता है वो खुल जाएगा। अब आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद जब आपका ईमेल आईडी और OTP की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपके पास एक तरह से कल रजिस्ट्रेशन आपका उस पोर्टल पे हो जाएगा और आपके पास एक आईडी अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप आसानी से उसको जो है आप उस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद EPIC डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। डाउनलोड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आसानी से जो है आपका PDF यानी कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। इसका एक और तरीका ये भी है कि जब आप इस पोर्टल के होम पेज पर जाएंगे तो कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा जिसमें आपको माई प्रोफाइल करके लिखा होगा। माई प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपका पूरा क्षेत्र पूरा इलाका के बारे में पूछा जाएगा, आप कौन से विधानसभा से आते हैं, उसके बाद फिर आपका बूथ क्या है, सब आप धीरे धीरे जिले वाइज जब आप खोजते जाएंगे तो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपके जो बूथ पे जितने लोग हैं उसका भी एक पूरा अपडेट जो है उसमें दिखाया गया है। तो इस तरह से एक तो आपका वोटर आईडी कार्ड दिख जाएगा, इसके साथ साथ आपके जो बूथ है उस बूथ पे कितने लोग हैं, कितने मतदाता हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, किनका जो है डीएक्टिवेट कर दिया गया वोटर आईडी कार्ड, इन सब चीज़ की जानकारी जो है आपको वहां पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो ये थी वोटर आईडी कार्ड को लेकर जानकारी, जिसमें कहा गया कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड भूल जाए तो आप उसे कैसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी वोटर आईडी कार्ड को लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।